चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए जालौन में जिला प्रशासन के आला अधिकारियों ने खुद ही मोर्चा संभाल लिया है, जहां कई स्थानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर हजारों लीटर अवैध शराब बरामद की गई, वहीं दर्जनों वारंटियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिलाधिकारी जालौन डॉक्टर प्रियंका निरंजन, पुलिस अधीक्षक जालौन डॉक्टर यशवीर सिंह ने खुद ही मोर्चा संभाला और जनपद के कई स्थानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर हजारों लीटर अवैध शराब बरामद की और दर्जनों वारंटियों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं छापेमारी में अवैध असलहा फैक्ट्री भी पकड़ी गई, साथ ही दर्जनों अपराधियों के खिलाफ जिला बदर गैंगस्टर की कार्रवाई की जा रही है। एक जिला बदर अपराधी को भी गिरफ्तार किया गया है। साथ ही खुद जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक गांव-गांव जाकर चौपाल लगाकर लोगों को जागरूक करने में लगे हुए हैं। लोगों को समझाया जा रहा है कि आप लोग निश्चिंत होकर निष्पक्ष मतदान कीजिए और यदि कोई भी प्रत्याशी या फिर दबंग आपको प्रलोभन देता है या फिर धमकी देता है तो तत्काल जिला प्रशासन के आला अधिकारियों के सरकारी नंबरों पर संपर्क कीजिए, उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होगी और प्रत्याशियों की संलिप्तता पाई जाती है तो उसकी प्रत्याशिता रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही लोगों से अपील की जा रही है कि जनपद में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, साथ ही जागरूकता के साथ साथ सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन के आला अधिकारियों ने कमर कसी है। इसको लेकर खुद जिलाधिकारी जालौन डॉक्टर प्रियंका निरंजन और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह ने मोर्चा संभाला है, गांव-गांव जाकर लोगों को चौपाल लगाकर लोगों को जागृत कर रहे हैं और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए लोगों से कह रहे हैं। और साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि यदि कोई प्रत्याशी या दबंग आपको प्रलोभन देता है या आपको धमकी देता है तो आप तत्काल हमारे सरकारी नंबर पर संपर्क कीजिए, फौरन कार्रवाई होगी। साथ ही उनके अधीनस्थ उनके दिशा निर्देश पर गिरफ्तारियाँ कर रहे हैं, शराब की भी बरामदगी हो रही है, आज एक अवैध असलाह फैक्ट्री भी पकड़ी गई है डकोर थाने में और सबसे ज़्यादा निगाह वारंटियों पर रखी जा रही है, वारंटियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। कुल मिला के जिला प्रशासन निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए कमर कसे हुए है। साथ ही जिले में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लोगों को समझाया भी जा रहा है कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए खुद सचेत रहें, खुद सतर्क रहें, दूसरों को भी जागृत करें, खुद जागरूक रहें, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी और साथ ही और भी कोविड के जो गाइडलाइन के जो नियम हैं उनको अनुपालन करने के लिए लोगों से अपील की जा रही है। आप बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला यहाँ कभी खत्म नहीं होता। न्यूज़ बीके के लिए जालौन से कैमरामैन कपिल सोनी के साथ देवेश सोनी।